हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिज़ाइनर लटकन बनाना सीखेंगे नेट की हेल्प से। देखिए, बहुत ही यूनिक से लटकन हम यहाँ पर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैंने एक वी शेप का नेक बनाया है और यहाँ पर देखिए मैंने लॉन्ग पफ वाली स्लीव्स बनाई है। अगर आप ये भी बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लटकन बनाने के लिए मैंने एक सीधी पट्टी कट करी है। इसकी चौड़ाई आपको 3 इंच लेनी है। एंड गाइस, देखिए यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो देखिए मैंने यहाँ पर 42 इंच के करीब ली है। आप चाहो तो यहाँ पर और ज़्यादा भी ले सकती हो अगर आपको थोड़ा सा बड़ा फ्लावर चाहिए तो। देखिए गाइस, इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए क्या करना है, इस तरीके से आपको देखिए एक बार ऐसे फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरीके से इसमें हम छोटी छोटी ऐसे प्लेट्स लगाएंगे और बीच सेंटर में आपको यहाँ पर इसमें सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं आपको देखिए इसमें सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। इस तरीके से देखिए हमें बीच सेंटर में ऐसे रखना है और यहाँ पर देखिए हाथ से ऐसे आप छोटी छोटी इसमें गैदरिंग ऐसे करते जाइए इस तरीके से। देखिए गाइस, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से ये इसमें जो प्लेट्स है वो लगा ली है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको बनाने के लिए सुई धागा लेंगे और यहाँ से देखिए इसमें हम जो हमने सिलाई लगाई है बीच सेंटर में, यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसमें हम छोटे छोटे से टांके लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए जैसे मैं इसमें ये टांके लगा रही हूँ उसी तरीके से आपको इसमें ये टांके लगा लेने हैं। इसके बाद देखिए इस धागे को इस तरीके से आप पुल कर लीजिए, इसको खींच लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये फ्लावर बनेगा, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं बना है। और अभी क्या करना है गाइस, देखिए इसको फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पर इसमें 4 से 5 इधर से उधर टांके लगा के इसको अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि जो इसमें हमने ये सिलाई लगाई है वो वापस से यहाँ पर रिमूव ना हो। तो सिलाई लगा के मैंने देखिए इसको अच्छे से पक्का कर लिया है। इसके बाद देखिए इसको ब्लाउज़ में अटैच कैसे करना है वो देखिए गाइस। तो जो डोरी हमने ब्लाउज़ में अटैच की है, इस डोरी को यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसको भी देखिए ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा के हमें इसको भी अटैच कर देना है इस तरीके से। तो इसको भी आप 4 से 5 टांके लगा के अच्छे से पक्का कर लें। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से ये पक्का हो चुका है और इस तरीके से देखिए अच्छे से ये ओपन हो गया है। अभी क्या करना है, इसको देखिए थोड़ा थोड़ा सा हमें कट करना है ताकि जो इसका फ्लो है वो एकदम अच्छा दिखे। इस तरीके से देखिए एकदम से राउंड में गोल गोल ऐसे दिखना चाहिए। ये देखिए गाइस, और कितना सुंदर ये लग रहा है आप देख सकते हैं, और बहुत ही इजी बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा फ्लोवर आप केवल नेट के फैब्रिक से ही बना सकते हैं, अपने नॉर्मल फैब्रिक से हम नहीं बना सकते इसको। तो इस तरीके से देखिए गाइस, मैंने दूसरा वाला फ्लावर है वो भी बना के रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं ब्लाउज़ के हमारे लटकन है वो रेडी हो गए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके के लटकन आप अपने लहंगे में भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये एक एक बनाए हैं, आप चाहो तो 2, 3, 4 कितने भी इसमें बना सकते हो, वो भी बहुत ही सुंदर लगेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एंड गाइस, अगर आप इस तरीके की लॉन्ग पफ स्लीव्स बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज़।